मौका मिला कि यहाँ पर विजय मौजूद दूसरा गोल की तलाश में और ये रखा जाए तो उनको सहायक और ये गोल और ये गोल डिफेंडर की एक गलती विजय जब तक पहुंचते हैं गोल दागने में सफल होते हुए। मंगलसूत्र एवं दोनों टीम आ चुके हैं, दोनों टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और रेफरी पूरी तरीके से तैयार इस मैच को प्रारंभ करने के लिए। तो चलिए सोन जी, दोनों टीम तैयार हो चुके हैं, किकऑफ की व्हिसिल भी यहां पर आता हुआ। आज का चौथा मैच आप सबों की सामने शुरू हो चुकी है। एक तरफ ग्लोरी एफसी बिरसा नगर, जिस टीम को आप देख रहे हैं काला और लाल रंग की मिश्रित जर्सी पर, उनके खिलाफ मारंगुरु एफसी जो ऑरेंज और सफेद यानी कि कमला और सफेद रंग की जर्सी के साथ शॉट ऑन टारगेट, यानी कि ये शॉट ये बताती हुई कि इस मैच पर हम आक्रामक फुटबॉल खेलेंगे। वैसे निस्संदेह है पहला मिनट और जिस तरीके से गोलकीपर को उन्होंने परीक्षा लिया, टेस्ट तो गोलकीपर जिसे कहता है, इस बार दूसरी बार तो हो सकती थी, लेकिन अटैकिंग टीम के खिलाड़ी कोई यहाँ पर मौजूद नहीं था। 11 नंबर और 7 नंबर दोनों ही खिलाड़ी हालांकि यहाँ पर मौजूद थे लेकिन बॉल पोजीशन के साथ नहीं, और गोलकीपर प्रतिद्वंदी टीम का बेहतरीन तरीके से जो लेफ्ट आउट के डिफेंडर को देते हुए, लेफ्ट आउट डिफेंडर जी हाँ बिल्कुल, एक तरफ मारंगुरु एफसी तो दूसरी ओर से मारंगुरु एफसी इस लोकल क्षेत्र की टीम है, यानी कि इस मैदान को संपूर्ण रूप से पहचान चुके। बिल्कुल ग्लोरी एफसी बिरसा नगर के खिलाड़ियों की सूची अभी तक आई नहीं है, फिर भी ऐसे कुछ नामचंद खिलाड़ी हैं मैं देख रहा हूँ। चाईबासा क्षेत्र की बागुन है, उनके साथ साथ राकेश गोप, तो काफी सारे चुनिंदा खिलाड़ी भी है, एक मेहमान टीम तो दूसरी मेहरबान। और इस क्षेत्र के एक जाने माने गोलकीपर हैं विजय और काफी अनुभवी गोलकीपर हैं। और दो गोल के बीच से लाना चाहते थे, खिलाड़ी थोड़ी सी चोटिल है लेकिन रेफरी फ्लेवन यहां पर करते हुए इस बार तो और यहां पर विजय लाता हुआ निश्चित रूप से खूबसूरत टीम पहले चक्र पर ही टकराते हुए। एक तरफ मारंगुरु जहां पर अमन मनोहर जैसे काफी नामचिन खिलाड़ी और दूसरी तरफ राकेश गोप जैसे रोशनी डालेंगे जो दूसरे चक्र का पहला मुकाबला होगी। जी एफसी बुकाडी जिन्होंने जिनको बाई मिला है वो सीधे दूसरे चक्र पर खेलेंगे, उनके साथ टकराएंगे पहला मैच आज का जीतने वाले टीम KMM हिंदल जूरी। अगला मैच के लिए दोनों ही टीम तैयार रहेंगे और इसी के साथ बॉल को रिलीज करते हुए नजर आए जोर पर प्रयास, अच्छा क्या जबरदस्त प्रयास हमें देखने के लिए मिला। इस बार जर्सी नंबर 70 डिफेंडर के लिए, डिफेंडर लेफ्ट आउट डिफेंडर के लिए बॉल को रिलीज करते हुए जी हाँ यहाँ पर मारंगुरु टीम डिफेंडर जर्सी नंबर 6 सूरज मांडी धीरे धीरे अपने ही साथी के लिए यहाँ पर माइनस किया। राजा माझी काफी संतुलित है ये टीम फिलहाल बाएं छोर पर,
एक बढ़िया पास मनहर की दिशा पर, मनहर के द्वारा बढ़िया रिसीव और उन्होंने निहारते हुए मैदान के चारों ओर बढ़िया पर स्टीड करते हुए, हालांकि जुझारूपन दिखाए खिलाड़ी गिरने के बावजूद गेंद को निकाले थे। फिलहाल जवाबी हमला पर विपक्षी दल बिरसा नगर मौका बनेगा। इन साइड अब तो पेनल्टी जोन और विकेट की बढ़िया कलेक्शन, क्या जबरदस्त यहाँ पर कोशिश देखने के लिए मिला। इसी को कहता है मैच, यह मैच कुछ रंग लाता हुआ, यह मैच काफी हाई वोल्टेज मैच है, काफी तेज तर्रार खेल रहे हैं। इसी के साथ जर्सी नंबर 17 जर्सी लॉन्ग रेंजर बॉल के साथ अपने राइट आर्म के स्ट्राइकर के लिए, राइट आर्म के स्ट्राइकर शॉट ऑन टारगेट। वहां पर तैनात मनहूर ये सोच नहीं रहे थे कि डिफेंडर गलती करेंगे, पर आखिरकार डिफेंडर से गलती हुई डिफ्लेक्शन के सहारे। फिलहाल आने वाला समय पर एक बार फिर गोलकीपर दुविधा में थे, डबल माइंडेड थे, हालांकि गनीमत रहे कि विपक्षी दल के खिलाड़ी की सही हेड नहीं आई। तुरंत यहां पर जवाबी हमला के लिए बेहतरीन तालमेल के सहारे टीम के लिए काम करता हुआ थ्रो इन के सहारे क्विक रिलीज। इस बार प्रति आक्रमण पर ग्लोरी एफसी बिरसा नगर, दोनों टीम के पास ये क्वालिटी है, खास करके काफी ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जिन्होंने डिफेंडर के साथ साथ स्ट्राइकर की भी भूमिका अदा करते हैं। बेसिक लेकिन आजकल लेफ्ट और राइट जो डिफेंडर रहते हैं वो डिफेंडर को केवल सहायक रूप में, मेन डिफेंडर को सहायक रूप उनका बताया जाता है। आधुनिक फुटबॉल में फिलहाल 1-2-3 साल का फुटबॉल अगर देखा जाए तो उनको सहायक। और एक गोल डिफेंडर की एक गलती, पीजाई जब तक पहुंचते हैं गोल दागने में सफल होते हुए जज नंबर 20। हालांकि हमारे पास खिलाड़ी को सूची नहीं, अन्यथा हम इस खिलाड़ी का नाम आपको बता देते, यानी कि एक ही मिनट के अंदर। तो अब ये देखना जरूरी मारंगुरु एफसी कौन सी रणनीति के साथ आने वाला समय पर खेलेगी। निश्चित रूप से ये गोल और उनको कभी महंगा पड़ सकता है ये गोल, लेकिन अगला मैच हेमंत जी इस तरीके से आप देखा जाए तो बुकाड़ी बनाम KAM हिंडाल जुरी बनाम उनके साथ साथ GGFC बुकाड़ी। आपका किकअप टाइम 8:40। निश्चित तौर पर काफी अनुशासन के साथ इस समय मनहूर कटबैक अपने सेंटर फॉरवर्ड के लिए, सेंटर फॉरवर्ड यहां पर क्या मारंगुरु एफसी टीम इस टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा जाएगा। लेकिन इस बार बेहतरीन तरीके से बॉल को रिलीज किया, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि सहायक रेफरी सहायक डिफेंडर माना जाता है और वो मिड में भी खेल सकते हैं, सेंटर में खेल सकते हैं, वक्त आता है कि वो गोल भी करते हैं। और एक विशेषता मैं बता दूं, इस टीम रिमिक्स के नाम पर काफी मशहूर है। इस साल रोजिया के मैदान पर इस टीम ने फाइनल तक की सफर तय किया था, यानी कि ये टीम के पास दमखम है। इसी बीच दोनों के बीच टकरार हुई, फ्री किक प्राप्त हुआ निश्चित तौर पर, और काफी अच्छी टीम है, काफी नामचीन टीम है। लेकिन देखा जाए ये गिली घोड़ा भाई, यहाँ पहला चक्र में हारने वाला टीम रोजिया में फाइनल तक का सफर तय करते हैं। मैंने देखा है काफी सारे टूर्नामेंट के काफी खिलाड़ियों को, और जैसे कि शंकरपुर की बात किया जाए दूसरे चक्र में वो परास्त हो चुके हैं, काफी सारे टूर्नामेंट में चैंपियन, यहाँ 32-32 और 48-48 चैंपियन टीम ही आते हैं खेलने के लिए। बेशक कौन सा मैच पर कौन सा टीम उलट फिर करेगी ये कहना मुश्किल, जिस तरह से यहाँ पर मध्य और इसी के साथ काफी अच्छी प्रयास के साथ बॉल यहां पर लेते हुए जीत अहमदाद के साथ जर्सी नंबर 11 57 के लिए यहां पर बॉल को दिया 57 तक लाइन के करीब से, बॉल को आगे लेने की तैयारी थोड़ी सी होल्ड करते हुए राइट आउट का स्ट्राइकर के लिए। जवान जी जिस खिलाड़ी को आप देख रहे हैं बिरसा नगर की ओर से 57 अनिल पूर्ति, वो काफी बड़े बड़े मैराथन पर भी
अन्यथा बढ़त यहाँ पर दुगनी हो सकती थी। अरे बुकाड़ी टीम के मैनेजर, बुकाड़ी टीम के मैनेजर आपसे निवेदन है कि अविलंब ना करते हुए जल्द से जल्द हमारे जो दोनों मित्र हैं मंगल जी और उनके साथ साथ उनके मंगल जी साथ मुलाकात करें और बद्री बद्रीनाथ मंगल जी और बद्री के साथ आप संपर्क करें। बद्रीनाथ जी जी एफ सी बुकाड़ी बीबीएफसी बुकाड़ी टीम से निवेदन है आप जल्द से जल्द वेदनाथ जी और मंगल जी के साथ संपर्क करें। मुख्य मंच में जल्द से जल्द आप हमें संपर्क करें। दूसरा चक्र का पहला मैच जीजीएफसी बुकाड़ी उनके साथ साथ प्रतिद्वंदी टीम के रूप पर केएमएम हैंडल जोड़ी जीजीएफसी बुकाड़ी आप अभी तक रिपोर्टिंग नहीं किए हैं। टीम कप्तान, टीम मैनेजर या फिर कोई भी अगर समर्थक है ये टीम की तो कृपया आप मंगल जी और वैद्यनाथ जी के साथ संपर्क करेंगे और साथ ही आपकी मुकाबला की किकअप समय 8:40 को है। 8:40 पर आपका मुकाबला शुरू होगी। आपके खिलाफ खेलने के लिए केएमएम हिंदल जूरी बिल्कुल तैयार है। फिलहाल मुकाबला पर रोशनी डालते हैं। जोन जी काफी समय से हमारे साथ उद्घोषक प्रभास जी भी बने हुए हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं और स्वागत करेंगे कुछ समय के बाद। एक गोल से आगे है अभी भी बिरसा नगर ग्लोरी एफसी, देखना होगा यहाँ पर। अनिल एक बार फिर से बढ़िया पास अपने ही साथी के लिए, एक आसान मुख बनाने की कोशिश। वहां पर डिफेंडर काफी आगे आ चुके थे, हालांकि हेड के माध्यम से गेंद को बाहर किया। गोल पोजीशन अभी भी बिरसा नगर के पास। इस समय सेंटर फॉरवर्ड अपने ही बीच पर तालमेल बनाते हुए मुख्य डिफेंडर के लिए माइनस पास, यानी कि वन हाफ प्ले करके रख दिया है। बेहतरीन बॉल हो सकती थी, दिशा सही नहीं और गोलकीपर विजय की एक आसान सा कलेक्शन। एक विशेष सूचना, अरे भाई केवल 20 रुपया, आप दूसरा जगह में जाते हैं 100 रुपया का टिकट काटते हैं, 200 का टिकट काटते हैं और चेयर में बैठकर मजा लेते हैं। केवल 20 रुपया भाई, उससे ज्यादा नहीं। तो 20 रुपया टिकट का दाम है, टिकट काटकर आप दिन भर का हर एक मैच का आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं, दिन भर का हर एक मैच का आनंद उठाएं। और जो जो चेयर में बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि आप टिकट एक एक टिकट ले लें, टिकट लेकर ही आप चेयर में बैठकर आनंद उठाएं। जैसा जैसे नंबर 47 और निश्चित रूप से मिलता हुआ एक फ्री। और बढ़िया क्रॉस, साथी खिलाड़ी हालांकि मौजूद, मौका मिला यहां पर विजय मौजूद, दूसरा गोल की तलाश में और यह दूसरा गोल आता हुआ। अनिल पूर्ति की कदमों से यह दूसरा गोल। भाई म्यूजिक हो जाए भाई, इतना बेहतरीन।